ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट है जिसके ऊपर आप इस तरह के नीले रंग के जो आप बिन्स देख रहे हैं वो रख के इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे तो रीच तक आपको कम जगह में चलता है, हाइट तक जाता है, बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्लोरिंग थोड़ा सा भी ख़राब हुआ तो उसमें व्हील्स का प्रॉब्लम आता है क्योंकि उसके व्हील छोटे होते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिस जो कॉम्बिनेशन लेता है फोकलिफ्ट के बड़े व्हील्स का और इस प्रोडक्ट के कम स्पेस में काम करने का और हाइट तक जाने का। तो अगर किसी कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो अपना स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट सूटेड है। और ये भी बटन से चलता है, किसी को पुश पुल करने की ज़रूरत नहीं है। वो आफ्टर मार्केट में हमारा चाहे स्पेयर सपोर्ट हो, चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे लेबर सपोर्ट हो, हर तरीके से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप्ड है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू इंडिया वेयरहाउस शो 2023। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं एक वेल नॉन कंपनी के स्टॉल पर, यह है गोदरेज कंपनी। और यहाँ पर वेयर हाउसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे यहाँ पर इक्विपमेंट्स और मशीन्स शोकेस कर रहे हैं। आज इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको इन तरह की इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना? मेरा नाम अभिषेक चतुर्वेदी है, मैं गोदरेज में पिछले 23 साल से काम कर रहा हूँ। तो पहले मैं रैकिंग डिवीज़न में था और फिर अभी मैं मटेरियल हैंडलिंग डिवीज़न में हूँ। और मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने अपनी करियर की शुरुआत भी इसी कंपनी से की है। और वेल नोन कंपनी है, हर कोई जानता है सर गोदरेज के बारे में। अगर जैसे इस कैटेगरीज में देखिए, कहाँ पर आपकी फैक्ट्री है, कहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करते हैं? तो इससे पहले कि मैं आपको फैक्ट्री और इसके बारे में जानकारी दूँ, मैं आपको थोड़ा स्टॉल के डिज़ाइन के बारे में बताऊँगा ताकि लोगों को एक जानकारी हो कि हमारी सोच क्या है, कि हम सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ नहीं देखते हैं, हम पूरा एक सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो हमने लेआउट किया है, अगर आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकें तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं डॉकिंग एरिया। तो कोई भी जब वेयरहाउस होता है उसमें एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे कंटेनर आके लगता है और कंटेनर को खाली करना होता है ताकि उसको खाली करके वो अपने आगे काम पर जा सके। तो जब खाली करने की जो जगह होती है वो होती है डॉकिंग एरिया पे, और डॉक लेवलर जैसा सामान वहाँ पे यूज़ होता है। फिर आप थोड़ा जब अंदर आते हैं, सामान आप जैसे ही अंदर लेके आते हैं आप तुरंत ऐसा रैक में नहीं लेके जाते हैं, पहले उसको कंटेनर को खाली करके कंटेनर को रिलीज़ करना होता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे स्टेजिंग एरिया पे उस सारे पैलेट को रखते हैं एक के बाद एक, और उसको हैंडल करने के लिए गोदरेज की फोकलिफ्ट सबसे यूज़फुल और सबसे वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट है, यह थ्री व्हीलर फोकलिफ्ट है, 2 टन कैपेसिटी की, और ये 4.5 मीटर की हाइट में अवेलेबल है। और ये जो प्रोडक्ट है ये कंटेनर के अंदर जा सकता है और सामान बाहर निकाल सकता है। इसकी जो मास्ट की हाइट अगर आप देखेंगे वो इतनी छोटी है कि वो कंटेनर के अंदर बाहर आराम से जा सकते हैं। तो कंटेनर से बाहर निकल के सामान यहाँ पे रखा जाता है। फिर स्टेजिंग एरिया के बाद आप वेयरहाउस के अंदर जाते हैं। तो अंदर जाने के लिए आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं। एक है पावर्ड पैलेट ट्रक जो कि ऑपरेटर से ड्रिवन है, एक है ऑटोनोमस पावर्ड पैलेट ट्रक जो बिना ऑपरेटर के चलता है, ये ऑटोमेटेड है, बिना ऑपरेटर के चलता है, ये विदाउट ऑपरेटर है। तो अभी हमने यहाँ पे वर्किंग मॉडल नहीं लगाया है, बट इसमें ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको प्रोग्राम कर सकते हैं जाने के लिए। मतलब ये है कि अगर आप अपने वेयर हाउस में ऑटोमेशन ऑटोमेटेड कर रहे हैं तो आप इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसमें इतने सारे सेफ्टी इंटरलॉक्स हैं कि अगर कोई बीच में आता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो ये रुक जाएगा अपनी जगह चेंज करके और फिर आगे बढ़ेगा। तो कम्प्लीटली सेफ प्रोडक्ट है ये। और अगर आपको ऑपरेटर ड्रिवन पावर्ड पैलेट ट्रक चाहिए तो ये प्रोडक्ट है। तो हमने अभी तक जो आपसे बात किया कि एक डॉकिंग एरिया है, फिर स्टेजिंग एरिया है उसके लिए प्रोडक्ट है, फिर स्टेजिंग एरिया से रैकिंग एरिया तक जाने के लिए आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। और इसके बीच में तो यहाँ पर ये बैटरी आप सो के ये चार्जर है जिसे स्मार्ट चार्जर बोलते हैं, जो आपके जो बैटरीज होता है उसको जल्दी चार्ज कर सकता है और उसकी हेल्थ मेंटेन करता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल चार्जर्स, ठीक है। फिर एक प्रोडक्ट हमने यहाँ पे शोकेस, तो जो भी ये प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं सब सारे बैटरी ऑपरेटेड है? अभी तक जो मैंने आपको दिखाया है वो बैटरी ऑपरेटेड है जो हमने स्टॉल में दिखाया है, बट हमारा इतना ही बड़ा रेंज डीजल ऑपरेटेड में भी है।
ओके। और अब अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें जो यहाँ पे शोकेस्ड है, बहुत सारा अगर आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी ई कॉमर्स के थ्रू सामान आता है तो वो एक कभी किताब आती है, कभी शर्ट आती है, कभी कुछ आता है, तो वो इंडिविजुअल सॉर्टेशन सिस्टम आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए इस तरह का कन्वेयर सिस्टम होता है और वो कन्वेयर सिस्टम को सपोर्ट करता है उस तरह का ऑटोनोमस रोबोट जो वहाँ पर आप देख रहे हैं, जो बिन को वहाँ से एंड से कन्वेयर के ऊपर लेके जाता है और कन्वेयर जो है उसको एग्जिट पॉइंट तक लेके आता है, और उल्टा प्रोसेस भी इसमें पॉसिबल है। अच्छा, रिवर्स प्रोसेस भी आप करवा सकते हैं जी। सो ये है कि अगर आप फुली ऑटोमेटेड करना चाहते हैं अपने वेयर हाउसेज में जी, तो इस तरह के ये आपने सॉल्यूशंस और कैपेबिलिटीज अवेलेबल हैं जी जी। अभी फिर अगर आप ये जैसे अगर इसको एक्सप्लेन करें सर, तो इसमें जैसे हमने आपको वो प्रोडक्ट दिखाया था ऑटोनोमस पावर्ड पैलेट ट्रक, वैसे ही ये ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट है जिसके ऊपर आप इस तरह के नीले रंग के जो आप बिन्स देख रहे हैं वो रख के इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको कन्वेयर के साथ कंपैटिबल कर सकते हैं और वो कन्वेयर में वो बिन को लोड कर देगा और कन्वेयर के डायरेक्शन में वो मूव करेगा और ये टोटली ऑटोनोमस होता है। तो ये एक प्रोडक्ट है आपके सॉर्टेशन सिस्टम्स के लिए, प्रोडक्ट को सॉर्ट करने के लिए। अब अगर आप आगे आएंगे तो आपने डॉकिंग एरिया से शुरू किया, फिर स्टेजिंग एरिया देखा, फिर आपने बीच का रास्ता देखा और उसमें सॉर्टेशन सिस्टम देखा, फाइनली आपको जब लंबे समय के लिए सामान स्टोर करना है तो रैकिंग सिस्टम आता है। अब जो रैकिंग सिस्टम है उसमें कई टेक्नोलॉजी आते हैं, यहाँ हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी दिखाई है। ये जो इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे कि ये जो जगह बन रही है इक्विपमेंट को अंदर जाने के लिए, ये शिफ्ट होती रहती है, मतलब कि आप एक ही आपको जगह छोड़नी है, आपको मल्टीपल जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो स्पेस है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, सिर्फ एक आई स्पेस है और आप मैक्सिमम स्टोरेज कर सकते हैं। तो अगर किसी कस्टमर की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो अपना स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट सूटेड है और ये भी बटन से चलता है, किसी को पुश पुल करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ये जगह क्रिएट होगी इसके अंदर जाने के लिए ये प्रोडक्ट है। मतलब इसमें है कि कई बार ये फिक्स्ड होते हैं तो वहाँ पर आपको स्पेशल स्पेस रखना पड़ता है, बट ये हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकता है। करेक्ट। तो अभी क्या है इसमें कि अगर आप नॉर्मल रैकिंग रखते तो आप रैकिंग रखते स्पेस रखते, रैकिंग रखते स्पेस रखते, रैकिंग रखते स्पेस रखते, अब आपको वो स्पेस हर एक में रखने की ज़रूरत नहीं, वो स्पेस आपकी शिफ्ट होती है। तो अब क्या होगा कि जहाँ आप स्पेस रख रहे थे वहाँ आप स्टोर कर पा रहे हो। तो यहाँ पर ये कंट्रोल सिस्टम रहेगा आपका, कंट्रोल सिस्टम है जिससे आप बटन से आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट में चूंकि भारी सामान होता है तो उसको रखने के लिए इस तरह का प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं रीच ट्रक। ओके, इसको रीच ट्रक बोलते हैं, ये गोदरेज का रीच ट्रक है, ये भी बैटरी ऑपरेटेड है और ये जो प्रोडक्ट है ये 11 मीटर तक जाता है और 2 टन तक की इसकी कैपेसिटी होती है। ये भी बैटरी ऑपरेटेड है और यहाँ से आप बैठ सकते हैं, बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें पैलेट सामने रहता है, वो पैलेट ऊपर उठा के आप उसको उस ट्रैकिंग सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। और जो कंट्रोल सिस्टम है बस ये इस तरह ऑपरेटर का हाथ के ऊपर है और ये बहुत ही अच्छे से एर्गोनॉमिक वे में बनाया हुआ है और ये हम पहले इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं जिसने ये रीच ट्रक बनाया है। अच्छा। क्योंकि अभी तक रीच ट्रक प्रोडक्ट कैटेगरी सिर्फ इंपोर्ट्स में आते थे और मैक्सिमम लोग पिछले 20 साल से जो भी रीच ट्रक खरीदते थे वो सिर्फ इंपोर्ट कर पाते थे। अब एज गोदरेज हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और 2 साल पहले हमने ये प्रो सीरीज रीच ट्रक लॉन्च किया है। मेड इन इंडिया, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया जी। और ये 11 मीटर तक है और ये कंपेरेबल टू एनी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस लॉन्च। अब अगर इससे आप आगे बढ़ेंगे, ये हमारा काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। देखिए, आपने वहाँ पे फोकलिफ्ट देखा, आपने यहाँ पे रीच ट्रक देखा। इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा जस्ट मैं 1 मिनट लूँगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि एक बार कस्टमर्स यूज़र्स इसको समझ गए देन उनको ये समझ में आ जाएगा कि इससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि जो सामने आप फोकलिफ्ट देख रहे हैं, वो फोकलिफ्ट की खास बात ये होती है कि वो बहुत वर्सेटाइल और बहुत टफ रगेड इक्विपमेंट होता है, उसके व्हील्स बड़े बड़े होते हैं, उसको बहुत स्पेशल फ्लोरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो रीच ट्रक होता है बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जगह बहुत लेता है, उसको अगर आपको चलाना है तो वो फोकलिफ्ट जो मैंने वहाँ पर दिखाया था उसमें काफ़ी जगह चाहिए होती है। तो वो जगह बचाने के लिए जो डिज़ाइन हुआ वो रीच ट्रक डिज़ाइन हुआ। तो रीच ट्रक आपको कम जगह में चलता है
हाइट तक जाता है, बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्लोरिंग थोड़ा सा भी ख़राब हुआ तो उसमें व्हील्स का प्रॉब्लम आता है क्योंकि उसके व्हील छोटे होते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिस जो कॉम्बिनेशन लेता है फोकलिफ्ट के बड़े व्हील्स का और इस प्रोडक्ट के कम स्पेस में काम करने का और हाइट तक जाने का, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेटेड फोकलिफ्ट। तो दोनों प्रोडक्ट की जो अच्छाइयाँ हैं वो मिला के एक प्रोडक्ट में आ गई हैं, ठीक है। और अगर वो प्रोडक्ट 3.5-4 मीटर में चलता है, ये प्रोडक्ट 3 मीटर में चलता है, ये प्रोडक्ट 1800 mm में चल सकता है। अच्छा। वो स्पेस सेविंग जो होती है वो स्पेस सेविंग ही इस प्रोडक्ट का खर्चा निकाल देता है, इतनी स्पेस सेविंग होती है। आप सोचिए मुंबई जैसे जगह में अगर आप हर एक स्पेस में 1200-1200 mm की अगर बचत कर रहे हैं तो एक बड़े वेयरहाउस में तो अपने आप उसका खर्चा पहले दिन ही निकल आएगा। यहाँ पर जैसे आप शोकेस कर रहे हैं गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है। जो हमारी कंपनी है उसमें मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स होती हैं, जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मटेरियल हैंडलिंग डिवीज़न, ऐसे ही हमारे बहुत सारे बीयूज हैं, जैसे यहाँ पे स्टोरेज सॉल्यूशंस डिवीज़न के लोग भी हैं जो रैकिंग सिस्टम देते हैं। तो दोनों मिलके जो वेयरहाउस स्पेस में एंड टू एंड सॉल्यूशन दे सकते हैं, और हमने आपको ऑटोमेशन सॉल्यूशंस भी आपको वहाँ पे शोकेस किए थे। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट आर्टिकुलेटेड का। अब अगर हम बाहर जाते हैं, आपने इंडिया में देखा होगा बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बाहर भी लोगों को सामान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना होता है, तो उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट निकाला है जिसको यहाँ पे हमने 3-ton इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट दिखाया हुआ है। बट इसी एप्लीकेशन के लिए ये जो हमने एक रिप्रेजेंटेशन किया है ये एक बाहर के एरिया का कॉन्क्रीट रोड का रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। ये 3-ton इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, बट ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए कि किसी को अगर हेवियर मशीन में जाना है और इलेक्ट्रिकल में जाना है एनवायरमेंटल कंसर्न के लिए, तो हमारे पास 5-ton इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट भी अवेलेबल है, और डीजल फोकलिफ्ट में जो इंजन ऑपरेटेड इक्विपमेंट है उसमें अप टू हम लोग 12-ton तक इक्विपमेंट ऑफर कर सकते हैं डीजल ऑपरेटेड में, जिसको अगर बहुत हैवी बैटरी में, ये बैटरी ऑपरेटेड ट्रक है। इसमें एक ख़ास बात बताना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट अभी आप देख रहे हैं फोक्स के साथ, बट किसी को अगर ड्रम उठाना है, किसी को अगर अपने को पेपर रोल उठाना है, जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, वो न्यूज़पेपर जब छपता है तो कागज़ में छपता है, वो कागज़ को हैंडल करने के लिए पेपर रोल क्लैंप आता है, वो सब चीज़ें फोक की जगह लगाई जाती हैं ताकि यही फोकलिफ्ट वो सामान भी उठा सके जो फोक से इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अलग अलग आप अटैचमेंट देते हैं, अलग अलग अटैचमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये इस प्रोडक्ट की खास बात है। तो यहाँ तो सर हमने प्रोडक्ट देख लिया, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास और जिस तरह का कंपनी है, और आपने भाई बोला है कि भाई मेड इन इंडिया के अंदर भी हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आप बनाए हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ आप यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं, इसके बारे में 15+ इंडस्ट्रीज सेक्टर कैटर। तो इसमें देखिए जो हमने प्रोडक्ट्स आपको दिखाए, आप जब के एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप पूरी रेंज नहीं दिखा सकते हैं। आप जैसे हमने आपको एक स्टोरी बताई, वो एक स्टोरी में जितना प्रोडक्ट आया हमने वो दिखाया। इसके अलावा इसकी बात करूं उससे पहले क्विकली मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बहुत सारी पार्टनरशिप्स भी हैं जैसे क्राउन के साथ, हुपटेक्स के साथ, जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट में हमको सपोर्ट करते हैं। जिस प्रोडक्ट में हम लोग नहीं हैं वो प्रोडक्ट में हमारी पार्टनरशिप्स हैं। नाउ अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ट्रांसफॉर्मिंग इंट्रा लॉजिस्टिक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो भी एक वेयरहाउस या प्लांट के अंदर काम होता है या मूवमेंट होता है उस स्पेस को गोदरेज बदलना चाहता है। आपने अगर पुराने ज़माने में सुना होगा हम गोडाउन, गोदाम ऐसे वर्ड यूज़ करते थे और वो बहुत ही पुराने स्ट्रक्चर हुआ करते थे। अब हम इस तरह के स्पेस में आ गए हैं जहाँ लोगों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है कि एक अच्छा वेयरहाउस होना चाहिए ताकि हम सप्लाई चेन अपनी मजबूत कर सकें और इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर सकें। उस एंडेवर में ये ट्रांसफॉर्मिंग इंट्रा लॉजिस्टिक्स हमारा मिशन है, हमारा मंत्रा है, जिसके लिए गोदरेज पूरे इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हर तरीके से तैयार है। मतलब ग्लोबल टेक्नोलॉजी विद इंडियन एक्सपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। तो वो हम इंडिया में लेके आए हैं और हम इस बात के लिए बहुत प्राउड हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आपने शोकेस किए भाई, कमिटमेंट है 99.8%। तो इसमें गोदरेज कंपनी के बारे में आपको शायद आपने सुना होगा कि हम लोग सोशली बहुत रिस्पॉन्सिबल कंपनी है और एनवायरमेंटली वी आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल कंपनी। विक्रोली में जैसे यहाँ पे जो भी हमने लिखाया हुआ है, दिस इज़ आवर कमिटमेंट एंड आवर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। इसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि हमारा एनवायरमेंट
प्रोटेक्टेड रहे और सोसाइटी को हम कुछ दे सके, इंडस्ट्री को हम कुछ दे सके, वो हमेशा हमारा मेन मोटो रहता है। और अब मैं आपको कुछ जानकारी स्पेशल देना चाहता हूँ ऑफ रैकिंग डिवीजन, जो इंडिया की नंबर वन कंपनी है इन स्टोरेज स्पेस। तो इसके बारे में बात करने के लिए जो हमारे मार्केटिंग हेड हैं गोदरेज स्टोरेज सॉल्यूशंस के, मिस्टर राजेश मकोलत, उनसे मैं चाहूँगा कि वो उसके बारे में कुछ बताएं। राजेश जी, इफ यू कुड। हेलो सर, अगर आप देखेंगे तो गोदरेज स्टोरेज सॉल्यूशंस इज देयर इन द मार्केट फॉर अराउंड 60 इयर्स। अभी वी हैव बीन वेरी स्ट्रांग इन रैकिंग, दैट इज स्टैटिक रैकिंग जो बोलते हैं, व्हाट वी यूज इन वेयर हाउसेस। बट ओवर टाइम अभी आप देखेंगे तो क्लाइंट्स हैव मूव्ड, अदर देन स्टैटिक रैकिंग दे रिक्वायर लॉट ऑफ न्यू products and new solutions which actually helps in improving productivity of the warehouse, reducing cost and all. So yahan pe jo humne products dale hain is baar, these are actually little more beyond the static racking products. So aapne dekhe honge humne conveyor system dale hue hain, which is just nothing, which is actually moving the products from the rack to the docking levels. So the conveyor system is something that we have introduced. We have introduced AMR, automatic robots jo hote hain. The robots are basically help to pick up material from one point to the other point, so reducing human intervention which is there. Ek aur product jo humne introduce yahan pe dala hua hai, which is mobile pallet racking, which is nothing but normal rack hota hai, usse jyada dense karne ka storage, so you can have more capacity to store, plus you can pick up the materials and the movement of the materials automated. So that's the another product which we have displayed. Then we have displayed some of the concepts which we have. See, we, it's not that everything we make ourselves, we bring partners from abroad. So we have one partner from Italy, from Europe actually, called Ganvari. So unke sath we have a tie-up to make a goods to person system, which is nothing but a system wherein the small products are stored, and whenever you want, you can recall that product to yourself. So that's called goods to person. Same is the, we have another partner from US called OPEX. He also has a goods to person system. So these are the other products which we are showcasing here. So the whole idea is that aaj ki tarikh mein agar aap warehouse mein jaoge to client ko rack to chahiye chahiye, uske alawa he requires new technologies, new solutions which help him in improving his productivity, accuracy, what we call throughput and all. So uske liye he needs movement solutions, which is what I told about conveyors, robots and all. He needs solutions which can be easily, he can store somewhere and it comes to him, which is what is called goods to person. And all this is controlled by software, which also is what we take care of. So that's what we have tried to showcase. Thank you, sir. Sir, जैसे अगर यहाँ पर देखिए जितनी भी मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, और एक तरह से आप पूरा सॉल्यूशन देते हैं, टर्न की सॉल्यूशन देते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है वेयर हाउसिंग में या किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स की, आप हमसे बात करें, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट या सॉल्यूशन आप उनको दे दोगे। जैसे अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, सर्विसेज को लेकर देखें, वारंटीज़ को लेकर देखें, इस सब के क्या इशू रहते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ बेचने से नहीं होता है, उसको सपोर्ट भी करना होता है। तो वो सपोर्ट करने के लिए हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर आफ्टर मार्केट के लिए। वो आफ्टर मार्केट में हमारा चाहे स्पेयर सपोर्ट हो, चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे लेबर सपोर्ट हो, हर तरीके से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप्ड है उसको सपोर्ट करने के लिए। प्लस इसके अलावा हमारा एक खुद का रेंटल डिवीज़न है जिसका ब्रांडिंग रेंट ट्रस्ट है, जहाँ पे हम यही गाड़ियाँ रेंट पे भी दे सकते हैं। अच्छा, रेंट पे भी रेंट पे भी दे सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग जो प्लानिंग करते हैं वो पीक्स के हिसाब से करते हैं, कि जो मैक्सिमम हमारा सेल होता है उस टाइम के लिए हम सारी गाड़ियाँ प्लान कर लें। तो हमारे पास ऐसे फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस हैं कि आप प्लानिंग कीजिए एवरेज के लिए, और जब आपको पीक की ज़रूरत हो तब आप रेंट पे ले लीजिए, ताकि आपका दोनों चीज़ें काम हो जाएँ। तो इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही नहीं, उसको उसकी लाइफ टाइम तक सपोर्ट करने के लिए हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर है, चाहे वो डीलरशिप स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा खुद का ब्रांच स्ट्रक्चर हो। तो जैसे अगर बिजनेस मॉडल की बात करें, अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप कस्टमर हैं तो फिर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रोसेस क्या रहता है सर? देखिए, गोदरेज वैसे तो वेल नोन कंपनी है, और आज की डेट में कोई भी गूगल करेगा तो सीधे हमारे पास पहुंचेगा। बट फिर भी हमारी जो godrej.com की जो साइट है, www.godrej.com/intralogistics, ये लिंक पे जब आप जाएंगे तो इस लिंक पे आप सीधे मटेरियल हैंडलिंग डिवीज़न, स्टोरेज सॉल्यूशन डिवीज़न और ऑटोमेशन डिवीज़न, इनसे आप डायरेक्ट कनेक्ट में आ जाएंगे।
और फिर भी अगर आपको कहीं ज़रूरत हो तो जो हमारा वेबसाइट पे नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स, कॉल सेंटर नंबर्स, उनके थ्रू भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सर, एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, गोदरेज को पिछले साल 125 साल सिंस एस्टैब्लिशमेंट हुए हैं और हमारा मेन काम है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, और वही गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है। तो गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव में ये कंपनी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इसीलिए ग्लोबल टेक्नोलॉजीज विद इंडियन एक्सपर्टीज़ इंडिया में लेके आ रही है। चलिए सर, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।